Do you feel the pulse? जिसको मुल्क भर के अंदर जिसके नतीज को दिखाया जाता है वो आए और इजहार ख्याल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खामोश रहे, खामोशी अख्तियार करें अजान वाली है, खामोशी अख्तियार करें अजान वाली है। कहने लगा नादिर से हजार हमारी उम्र के बावजूद कह नहीं पा रहा है कि जैसे इज्तम खत्म होगा। मैं गुजारिश करूँगा बहन भाई से कि पहने लिखी रहे जेंट्स निकल जाए, जेंट्स निकल जाए, सही है, जेंट्स निकल जाए और पहने लिखी रहे। जब जेंट्स खाली हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका रास्ता आपका फराम किया जाए। गुजारिश बहुत फरमाए कि जेंट्स पहले जाएंगे और खवातीन बाद में जाएंगे। गुजारिश है, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा आदमी है, अब गुफ्तगू सुनने में अच्छा होगा, इख्तिताम अच्छा होगा, भद्दर ना करे और सब बताऊँ के साथ इख्तिताम है। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने
मुतरिक होकर एक कामयाब और पुरमन जुलूस का इतिहास हमने बनाया और यकीन यहाँ पर हमारे यहाँ बहनों की मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि हमारी माओ बहनों में शरीयत की हिफाजत का जज्बा जो कल भी बरकरार था और आज भी है इंशाअल्लाह ताला समय कयामत तक बरकरार रहेगा और ये हम तमाम के लिए बड़ी इत्मीनान और खुशी की बात है कि जिस कौम की खवातीन में शरीयत की हिफाजत का जज्बा पैदा होता है और वो अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए अपना सीमित वक्त को छोड़कर एक पुरमन जुलूस का इंतकाल आलम में रखा है तो यकीन है कि हमारे लिए ये सारी बात है और जो आज यहां पर हजारों की तादाद में हमारी माओ बहनों ने जुलूस में हिस्सा लिया आपका ये भाई आपका ये बेटा आपका ये खादिम आपको दिल की गहराइयों से सलाम भी करता है और मुबारकबाद भी पेश करता है और मेरी सरदार माओ बहनों आपने ये जुलूस निकाल कर नासिक एक जालिम हुकूमत को पैगाम भी दिया बल्कि आपने हम नौजवानों को बुजुर्गों को एक पैगाम दिया कि अब तुमको भी खड़े होना है अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए आपका यहां पर जमा होना आपका यहां पर जुलूस पुरमन तरीके से निकालना यकीनन जो नौनहाल जो नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां हमारी माओ बहनों की परवरिश है मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी माए उनको यकीनन दीन के लिए हमारे मुल्क के लिए असासा बनाएगी यकीनन ये बच्चे जो इनके यूं हमारी माओ बहनों की परवरिश है जो आज हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुई है यकीनन वो उनकी औलाद चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो वो एक बेहतरीन इंसान बनेंगे क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो शरीयत को अपनाता हुआ अच्छा इंसान बनता है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह ताला मुझसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों से ज्यादा मुल्क की हिफाजत करेगी शरीयत की हिफाजत करेगी जमहूरियत को मजबूत करेगी और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हकूक हमको दिए गए हिंदुस्तानियों को दिए गए उसको हासिल करके देगी मैं फिर से हमारी सरकार माओ बहनों को बरकरार देता हूँ न सिर्फ पुणे के हमारी माओ बहनों को बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो हजारों और लाखों की तादाद में हमारी माओ बहनें जो जुलूस निकालती हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान की बरसर इकतदार जमात हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और तमाम उन सियासी पार्टियों को खुले और बाजे अल्फाज में कह रही है कि हम मुस्लिम खवातीन तुम्हारे तलाक के बिल को रिजेक्ट करती है रिजेक्ट करती है ये मुसलमान बहनों के इंसाफ के लिए नाइंसाफी के लिए बनाया गया ये पैगाम देना पड़ेगा हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी को मिस्टर मोदी आंखें खोलो दिमाग से अपने पर के हटाओ और फिर कोई उम्मीदवार बनने को जो हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के शहरों से निकलकर आपको पैगाम दे रहे हैं कि आप मुस्लिम खवातीन के हमदर्द नहीं है आप दुश्मन है हमारे और हमारी नाइंसाफी का इंतजार कर रहे हैं मगर क्या हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम सुनेंगे हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम अखबार में इश्तिहार देते कि खवातीन के लिए हमने ये किया और उसमें एक अखबार के इश्तिहार में ये भी खबर छपी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बीजेपी की सरकार ने कहा कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल ला रहे हैं और लोकसभा में उसको पास करवाए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम आप मुस्लिम खवातीन के हक में नहीं है आप कभी नहीं थे और ना कभी रहने वाले हैं अगर आप मुस्लिम खवातीन के हक में हिंदुस्तान के वजीर आजम तो इस बिल को वापिस लो
ये बिल मुस्लिम खवातीन के हक में नहीं है, ये ना इंसाफी करेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम को पैगाम देना चाहती हूं कि ये जो बिल आप लाए हैं, जिसको कानूनी शक्ल देना चाहते हैं राज्यसभा में पास करने के बाद, बल्कि हम कांग्रेस को भी कहना चाह रहे हैं कि साफ हिंदुत्वा को छोड़ो, छोटे मोदी मत बनो बल्कि मुख्तलिफ बनो, आंखें खोलो और देखो हिंदुस्तान है जिसमें हमको इजाजत है। ये मुल्क, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क में हर एक को इजाजत है अपनी तहजीब पर चलने की, अपने पसंदीदा मजहब पर चलने की, अपने कल्चर को अपनाने की, अपनी जबान को बोलने की। यह हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अपने इजाजत देता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार बहनों, ये कानून जो बनाना चाहते हैं है क्या? ये कानून, अगर ये बिल कानून बनेगा तो सबसे ज्यादा सिर्फ नाइंसाफी औरतों से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करा दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम संघ परिवार के, बीजेपी के और उन तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों से कि बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट में, कौन से पेज नंबर पर कहा यह कॉन्स्टिट्यूशन है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा कंसेंट असाइड करते हैं। जेंडर जस्टिस की बात करने वालों को मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जजमेंट में जेंडर जस्टिस का लफ्ज कहां है? पार्टी से कहा, जो पार्टी से इन्होंने कहा, जजमेंट ने कहा, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी महज हमारे शरीयत को छीनने के लिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा जो अधिकार है, लेजिस्लेशन करने के लिए बिल को लाते हैं और फिर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा कि अगर कोई मुसलमान मर्द ट्रिपल तलाक देगा भी तो तलाक नहीं होगी। जब कोर्ट का फैसला है कि तलाक नहीं होती है तो हुकूमत कानून लाती है और सेक्शन 3 में कहती है कि तलाक नहीं होगा मगर इनको सजा होगी 3 साल। हिंदुस्तान के वजीर आजम जाहिर दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर कानूनदान नहीं है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नहीं आता सिवाय ईश्वर मोदी को। वही बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का है क्योंकि हर वर्ष जवाब वही है तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो समझ में आपने दिया कि ट्रिपल तलाक नहीं होगी तो मैं सदा देता हूं। मेरे भाई बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि यकीनन ऑल इंडिया मुस्लिम सल्ला बोर्ड ने साफ और वाजे अल्फाज में हम तमाम से अपील की कि कोई भी मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक बिगड़ जाए तो तलाक के जरिए तलाक ना दे, बल्कि इससे ज्यादा था मुस्लिम सल्ला बोर्ड ने कि अगर कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को इस तलाक से देता है तो इसका समाजी बाइकॉट कर दे। मैं फिता के तमाम आवाम से, इज्जतदार हमारे माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूं, मेरे बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि अगर पूरा कोई मुसलमान अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम परसन हो कि इस फैसले के बाद आप तमाम मुसलमान का समाजी बाइकॉट करना है, करके दिखाना है। हम नहीं चाहते ट्रिपल तलाक, मगर ट्रिपल तलाक के बहाने इंस्टेंटेनियस तलाक का लफ्ज उसमें बिल में लाया गया, यानी अगर कोई खुला भी देना चाहिए हमारे कहीं का नहीं इंस्टेंटेनियस है। और फिर केस अगर बुक हो जाएगा, कौन की थानों बुक करेगा, कौन केस बुक करेगा? अगर कोई आपके घर से, घर के सामने से कोई चलकर जा रहा है, वो जाकर पूना की पुलिस को कहेगा कि साहिब मैंने इनके घर के सामने से किसी को बताया नहीं सुना था, तो साहिब को नोटिस देने में माहिर है, साहिब कौन जो फायर स्टार्ट कर देंगे, बुलाएंगे उसको, बोलेंगे बेटी है। वो घर का मत बदलेगा किसने का, बोले रोज चलता है फंदा आके हमको बोला हम केस
मजबूत करें। ये कानून है, ये बिल में है, आप हस्तमा के बिल में, क्योंकि मिस्टर मोदी को सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मोदी जानता, कोई नहीं जानता, वही जानते। तो अगर जो जाकर कंप्लेन कर देगा तो कंप्लेन पर केस एफ आई आर हो जाएगा। पीआई साहब को नोटिस देने में माहिर है, फौरन एफ आई आर चार्ज कर देंगे और वो मुसलमान वर्ग को जेल के भुजाएगा। यानी होगा क्या कि रिकंसिलिएशन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। अगर कोई पुलिस स्टेशन या जेल को चला जाता है तो शादी खत्म हो जाता है। आप हम जानते हैं अगर शादी में कुछ इख्तलाफात होते हैं तो बुजुर्ग आते हैं, बड़े आते हैं, उलेमा आते हैं, समझाते हैं, मगर अगर पुलिस स्टेशन की स्त्री को चल जाता है तो हम कहते हैं भाई हमारी इज्जत का आपने निलाम है। तो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस खत्म। और फिर वजीर आजम बोलिए बोलते थे वो मुसलमान मर्द जेल में बैठ कर अपनी बीवी को सबसिस्टेंस अलाउंस देगा, कोई जेल में बैठ कर अपनी बीवी को खर्चा देगा। अगर मान लिया जाए कि वो मुसलमान मर्द बेकार किस्म का शख्स है, उसको दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसने यकीन से कुछ अल्लाह किया, जेल में बैठ कर अपनी बीवी को पैसे देगा, कहां से जेल में बैठकर पैसे देगा? वो जेल में पैसे का अगर कानून बनाने के लिए कहीं तो अपनी बीवी को सब्सिस्टेंस अलाउंस देगा। और फिर ये कहते हैं अगर उसको कोर्ट में सजा दे दी 3 साल के लिए तो 3 साल तक और उस शादी में रहे मौसम जेल में रहेंगे और वो औरत दोनों में भूख न मारे थे क्योंकि उस मर्द के घर वालों को खाना नहीं देने लगे थे। 3 साल के बाद जब ये मर्द निकले हुए जेल से बाहर तो हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने कह रहे कि जेल से निकलेगा ये ज्यादा जेल से निकलेगा तो बीवी भूख के हार देकर खड़ी रही कि आजाओ मेरा आलम तुमको लेने के लिए जाए। बताइए क्यों उसी दुनिया की बात करते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को जेल में रहेगा तो बीवी का ख्याल हमारी बहन का कौन पूरा करेगा? इसीलिए मैंने वजीर आजम से सवाल है कि क्या ये ठीक है अगर आप वाकई में सच्चाई का ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो अपने दर्जे के आने वाले बजट में आप 1,000 करोड़ का प्रोविजन करिए और ये तय करिए कि जो कोई भी मुसलमान मर्द अपनी जिंदगी को धर्म का लाभ देता है हुकूमत उसको महाना को 1,000 रुपये देती है। बाकी मैं बड़ी बात कर रहा हूं वजीर आजम तो बोलते थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जब पैसे की कमी नहीं है तो 15,000 आप दे सकते हैं वजीर आजम, चलिए 15,000 कमी आए कम से कम 15,000 को बताओ। मगर वो भी नहीं करेंगे, सिर्फ हवाई जुमले की बात करेंगे और बोलते रहेंगे मैं तो मुस्लिम महिलाओं के हक का इंसाफ कर रहा हूं। हमारी बहन क्या करेगी, कौन उसका ख्याल रखेगा उस बच्चे का हमारे, और अगर उसको बच्चे होंगे तो उसका ख्याल रखा और मत होगा। मेरे अजीज दोस्तों और दोस्तों मेरी सरकार हमारे घर में यह कानून बनाने जा रहे हैं और जो केस चलेगा कोर्ट में केस आएगा तो कौन सी बहन हमारी बहन के तारीफ में क्या वो घर वाले आकर ये बयान देंगे कि हाँ हमने हमारे घर में हमारे बेटे को हमारे भतीजे को यह हमारे रिश्तेदार को कहते सुना कि बीवी को उस वक्त खुला टाइम पर खुला तारीख को तलाक करा देंगे। मेरे भाई मेरी बहनों कोर्ट में केस नहीं चलेगा, बर्न ऑफ प्रूफ हमारी बहनों पर होगा, कहां से गरीब हमारी बहन करेगी? पुलिस के एफ आई आर चार्ज कर देंगे। हिंदुस्तान में 50,000 बरसों की इंक्वायरी के बाद जूरी ने कोर्ट में यह आदेश दिया कि तमाम जिस पर मुकदमा आए वो तमाम को बरी कर दिया। वजीर आजम आप 50,000 करोड़ के खातों में नहीं बचा सके, आप एक मासूम मुस्लिम औरत को इंसाफ कर दिए। आप खुद सोचिए कि इनका कानून क्या है और फिर हम क्यों कहें अगर कोई मुसलमान बच्चे के ऊपर यह केस बुक होगा और किसी गैर मुस्लिम पर दूसरे कानून पर होगा तो अगर
اگر وہ سزا دیتی تو میرے بچے کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو 3 سال کی سزا اور غیر مسلم کو 1 سال کی سزا. یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، یہ رول آف لا کے خلاف ہے. مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں سنیے آپ، کہ اس قانون اگر بنے گا تو ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالنا، ہماری بچوں کو ہوش پکڑانا، یہ قانون بنانے کا سر مقصد ہے. بہنوں کا انصاف یا مسلم عورتوں سے انصاف کا مقصد نہیں ہے، شریعت کی انسانیت ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری سدا اور ماں بہنوں، یہ آپ کو بات سمجھنا ہے. یقیناً شریعت کے تحفظ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مگر بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت کی اگر حفاظت کرنا ہے تو ہم کو اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہم کو شریعت کو اپنانا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت پر غالب کرنا ہے، تبھی جا کر ہم شریعت کی حفاظت کر پائیں. ہندوستان کے وزیر اعظم بہت باتیں کرتے ہیں، گندی لمبی چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی اتنا لمبا دعوے کے. ایک بار سعودی عرب گئے تو سعودی عرب میں یقیناً ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم نے ان کو سویلین اوارڈ دیا سعودی حکومت نے. پھر سعودی حکومت نے ان کو لے جا کر اپنی پرانی ایک توپ دکھائی. وزیر اعظم ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھتے، آپ دیکھو تقریب سے دیکھتے ہیں، بہت گہرا مطالبہ کرتے ہیں، چیز کا بڑی گہرا مطالبہ کرتے ہیں. توپ کے اطراف پھر کلاک وائز، پھر اینٹی کلاک وائز. پھر اس سعودی سے پوچھے بھائی صاحب، بولیے یہ توپ کتنی پرانی؟ بولا بہت پرانی. پھر اس سے پوچھے بھائی صاحب یہ توپ کتنا پھینکتی؟ تو سعودی شیخ کو معلوم تھا، وہ بولا گندا ہی تم سے کم پھینکتی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پولیس والے کیس میں نہیں اتریں گے، کیونکہ نوٹس کیا میں وزیر اعظم کے خلاف بولا. آپ کو تو تکلیف کے لیے بھی پولیس ہمارے صاحب چلے گئے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنیں دکھائیں گے ان کو گھر کا راستہ. نوٹس نوٹس کیا بات، کیا مودی آئے تو نوٹس دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہاتھ کے سینا کو تو مودی روپ سے بھر جائیں گے، کانگریس کے لیے آئے تو وہی نہیں دیں گے، اویسی آئے تو وہی نہیں دیں گے، اس میں بس دیں گے. ہم تو جیل میں مارے تو ہمارے گھر میں بولتے جاؤ تمہارے سسرال، ہم جیل جانے تیار ہے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے مرنے کو تیار ہے، مگر انسان کا ہو اعلیٰ ظالموں کے سامنے نہ ہم سر کو جھکائیں گے، نہ ہم کمزوری کے مظاہرے کریں گے، ہم شریعت کا عمل کریں گے، شریعت کو اپنائیں گے. زندہ تھے، زندہ ہم ہیں، اور زندہ رہنے کی مثال دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور مسلموں، میری سردار ماں بہنوں، یہ قانون، یہ وزیر اعظم قانون بنانے جا رہے ہیں، ہر جگہ یہی بول رہے ہیں. اچھا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں ٹرپل طلاق ختم ہو گیا ہے. ٹرپل طلاق ختم تو ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہمارے شعبے خواتین کی تنظیم ہے، ذمہ داروں نے ایک نوٹ نکالا جس میں کہا کہ ہندوستان میں 10 ریاستوں میں بہت سے دار المفتا ہیں. پچھلے سال دار المفتا میں میں نے 2016 میں یا 17 میں دار المفتا سے 3,40,206 فتوے دیے گئے، دار المفتا سے 3,40,206 فتوے دیے گئے. کتنے فتوے ٹرپل طلاق کو پوچھے گئے؟ 650.
اور میرے عزیز دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ قانون بنانے سے کبھی معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا, کہیں ہندوستان نے نہیں دیکھا کہ دلی کی سرزمین پر آج مہینے کی بچی سے ظلم ہوا, آج مہینے کی بچی کے ساتھ نربھیا کا وہ دردناک واقعہ ہوا, تو انہوں نے قانون بنایا کہ اگر کوئی ڈھیر کرے گا کسی ہماری بچی کا اور اس کا انتقال ہو جائے گا, اس کی موت ہو جائے گی, تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دیں گے. کوئی ظلم کرنے والا جا کر دیکھتا ہے کسی سے کہ ہمارے ملک میں بات سخت نہیں ہے کہ ہر گھنٹے میں چار ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے ہندوستان میں, قانون تو بنا کے کیپٹل پنشمنٹ کا, ہر گھنٹے میں چار انسان جو حیوان بن چکا ہے, کیا وہ قانون بنانے سے انسان بن جائے گا؟ مسلم پسندہ بورڈ یہی تو کام کر رہا ہے اسلائے معاشرہ کے نام پر, مردوں سے کہہ رہا ہے کہ انسان بنو, مرد بنو, شریعت پر عمل کرو, دین سیکھو, دین سمجھو, دین پر عمل کرو, تاکہ جو تم عورتوں کے خلاف یا ان کے حقوق نہیں دے رہے وہ ختم کرو. ہم تو قانون بنا کے جہیز کے خلاف ہم نے قانون بنانا, جہیز کے خلاف قانون ہے. مگر میرے عزیز دوستوں, میری عزت دار ماں بہنوں, آپ کو معلوم کہ 2005 اور 2015 سے 88,467 ڈیتھس میں سے دوری ڈیتھس, 2005 سے 15 یعنی ہر روز 22 ہماری بچوں کی موت ہو رہی تھی گیس کے نام پر, قانون تو بنا دیا. 2016 میں این سی آر بی کا دیکھا ہے 1,355 عورتوں کی موت ہوئی صرف گیس کے نام پر, قانون تو بنا دیا. چائلڈ ورنس کے خلاف ہم نے شہادہ ایکٹ کرایا, شہادہ ایکٹ ہم نے بنایا, مگر ہندوستان ٹائمز کا دو دن پرانا رپورٹ نکال کر پڑھیے, ہندوستان ٹائمز کو کر رہا ہے کہ آج بھی ملک میں 27% چائلڈ مارجز ہوتی ہے, قانون کو منا دیا. اور پھر یہ قانون کیسا ہے چائلڈ مارجز کا, اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس کو وائٹ ہی ہوتی, جب تک کہ بچی نہ کر شکایت نہیں کرتی, قانون ہے. قانون یہ بھی ہے بیٹا, یہ بھی ہے کہ ایک سو غیر مسلم بچے بچوں کی چائلڈ مارج ہوئی, ہندوستان کے وزیر اعظم اس پر ایک لفظ نہیں بولیں گے. اور پھر بولیے گئی تقریر میں کہ ساس کے اوپر ذمہ داری ہے بچی کی تعلیم کی, واہ وزیر اعظم, ساس کی جب بات کرے تو پھر ساس کہاں ہے, کہاں ہے ساس؟ اب زیادہ بولوں گا تو روک لیں گے, میرے گھر والا جیل کو بھجائیے, آپ سمجھو اشاروں میں بات کر رہا ہے, ساس کی بات کر. اور پھر وزیر اعظم آپ بولے کہ جیل میں بیٹھ کر وہ ظالم کا جو آخر میں پر تلاش کیا, جو سماجی بائیکاٹ کا مستحق ہے, وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو پیسہ دے گا؟ ہندوستان کے وزیر دلی میں بیٹھ کر جو رات کی اپنی بیوی کو اپنی بھابھی کو کچھ نہیں دے رہا, تو دلی میں بیٹھنے والا کیا ہے؟ نہیں معلوم آپ کو کون ہے, آپ کو معلوم کیونکہ نوٹس دیکھتے رہے تھے, مگر بھابھی کے مثال کی کرنا ہے, میں بھابھی سے کہہ رہا ہوں, بھابھی ہم آپ کے ساتھ ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ہم ملنا چاہیں گے. آپ یہ قانون بنا دیے, یہ پورے قانون میں نریس کا اختلاف کیا سوسائٹی میں کیا معاشرے میں کوئی چینج آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یقیناً کوئی کوئی کہہ رہے ہیں کہ پھر قانون نہیں بنا رہا, ارے قانون بناؤ بھائی, مگر تو سوسائٹی کے ایونٹس ہیں جو معاشرے کی بھلائی کریں, وہ انسانوں کو بدلنے سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان نہیں بدل رہا, خاص طور سے مرد نہیں بدل رہا, تو کیا کہیں گے پھر آپ؟ اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو, سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ میں دیکھ رہا, نریندر ورسز کے مینا,
अक्टूबर 6, 2016 आपको हमारी बहनों के लिए कहना सुनिए, आप जजमेंट देते नरेंद्र वर्सेस के लिए अक्टूबर 6, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर कोई हिंदू हमारी बहन अपने शौहर के साथ घर में नहीं रहती तो पूर्वी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वेस्टर्न फॉर्स है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडियन और हिंदू की फॉर्स के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट का कर कहने वाला से आज हम सब कभी आगे बढ़ नहीं है। आप जेंडर जस्टिस के बारे में बात नहीं करते, अरे आप बात करो ना इस जजमेंट के ऊपर। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारी मां है वो तुम्हारी बीवी की मां नहीं है, उसकी खिदमत करना तुम्हारा काम है। और अगर कोई ये बीवी बोलेगी कि मैं तुम्हारे मां के साथ नहीं रहना चाहती तो शौहर को नाराज देखना पड़ेगा, और अगर शौहर में इस्तेदार नहीं है तो बीवी ये कह सकती है कि ये तुम्हारी मां या बीवी जो है ना इसकी खिदमत नहीं देखना चाहती हूं, अलग दरवाजा बना दो मेरा, वो भी करना पड़ेगा। ये हमारा दिन कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहता है कहां मेरी आवाज है, बनाओ कानून, बनाओ कानून को नहीं बनाता कानून। जब आप हिंदू हित रहे सम्राट के लिए जीतर बनाओ मिस्टर मोदी, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी का नरेंद्र वर्सेस के मीना जजमेंट के ऊपर क्या ख्याल है, बोलो आप। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हमारे पीछे पड़ेंगे, हमारे पीछे पड़ेंगे, हमें कुछ नजर नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे सरदार और बहनों, इसीलिए हम तमाम को अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपने रिलीजन को अपने कल्चर को प्रोटेक्शन करें, उसको तहफुजात दें। इसके लिए हम तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से ऑल इंडिया मिशन पर संभव बोर्ड जो कोशिश कर रहा है दिन रात, बोर्ड के जिम्मेदार हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर एक अवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पेश हुआ हमारी बात को सामने रखा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने हमारी मर्जी के खिलाफ फैसला दिया, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या हमने कहा कि नहीं मानिए, क्या हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मगर आज ऐसी आवाजें सुनने में आती है जो हमको डरा रही है कि अगर बाबरी मस्जिद का वो जमीन अगर नहीं लोगे जिस जगह पर मस्जिद की, जिस जगह पर मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला द्वारा वहां पर बनेगी, वो लोग हमसे कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिद की जगह नहीं देंगे तो सीरिया का जैसा हाल हो जाएगा, सीरिया के जैसा हाल करेगा। ये हिंदुस्तान है, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की आजादी में हमने हर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज किया तो हिंदुस्तान चुनाव में निकाल कर फेंक दिया। हिंदुस्तान में फंक्शनल डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में इंसान का होता ना जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा इस मुल्क में हम कभी भी इस मुल्क पर कहा शामिल नहीं देंगे। सीरिया को छोड़ो, मुल्क के एक एक ईश्वर को भाव हमने कभी नहीं कहा कि नाम मान के बात को हमारा झगड़ा कभी लोग से नहीं करना, कभी कहेगा हमने हमेशा हिंदुस्तान की बेटी के लिए दुआएं की, हमने हमेशा हिंदुस्तान की मजबूती के लिए अपनी कुर्बानियां दी और देते रहेंगे। सरकार पाकिस्तान से अगर कोई बुरी नजर खाना देखा तो हमने उनके खिलाफ किया है, मगर आज कोई ये कहता है सीरिया बन तो बीजेपी खामोश, कांग्रेस खामोश, कोई नहीं बोल। मैं दो दिन खामोश पर पहले दिन खामोश पर था, देखेंगे कोई कोई बोलेगा, कोई नहीं बोले तो फौरन
पार्लियामेंट में हमारे सामने लाकर माइक रख दिया उनके सामने और हमको तो बीमारी है बोलने की। मीडिया के हमारे दोस्तों ने पूछा बोलिए, मैंने कहा क्या बोलूं, बोले इन्होंने कहा ऐसा कहा, मैंने कहा वो क्या वो 25 जन्म में कहीं पैदा हो जाएंगे तो हिंदुस्तान सीधा नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे एक साल का होगा। हिंदुस्तान एक फंक्शन डेमोक्रेसी है, हिस्टर इनका नाम नहीं लेना मिस्टर है। अब क्या बोलेंगे इनको, बात का तो समझ में नहीं आता। 70 साल से हमको डरा रहे, 70 साल से हमको डराया जा रहा है। कभी डराने का अंदाज यह होता है कि सिंधिया बन जाएगा, कभी डराने का अंदाज यह होता है कि 2002 के गुजरात के फसाद को तुमने देखा, कभी डराने का अंदाज यह होता है कि मुजफ्फरनगर का तुमने फसाद देखा, कभी हमको दिल्ली से डराया जाता है तो कभी भागलपुर से डराया जाता है तो कभी हाशिमाबाद के उस शहरी से डराया जाता है तो कभी मुंबई की रोडों पर जो मासूम हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ उससे डराया जाता है तो कभी हमारे सिखों पर जो जुल्म हुआ 84 में उसके वाकयात को सामने रखकर हमको डराया जाता है। मैं इसे कहने वाला हूं कि अब हम डरने वाले नहीं है, अब हम डरने वाले नहीं है। आप ही दे सकते हैं, हमारी जान ले सकते हैं, ले लो भाई हम तैयार हैं। अगर मर जिंदा रहेंगे तो इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अगर मरेंगे भी तो याद रखो इस मुल्क की सरजमीन के अंदर नहीं जाएंगे, ना सीरिया जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे। जिनको पाकिस्तान जाना था हमने यहां बैठा और हम यहां पर रुके हैं, मगर तुम हमको याद नहीं करोगे। जो जाना चाह रहे हो जो जाना चाह रहे हो हिंदुस्तान नहीं है, जो जाना चाह रहे हो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं लेना, जो जाना चाह रहे हैं सीरिया का नाम लेकर उस पर हिंदुस्तान के दिया पर भरोसा नहीं है, जो जाना चाह रहे हैं सीरिया का नाम लेकर वो हिंदुस्तान की जरूरत है। और फिर जो लोग हमारी सफों में है जो मेरे काम तक गए, अरे हम सौदा पर संग है तो क्या करें, 14% है तो क्या करें। नहीं नहीं नहीं, आपकी तहरीर से आप तहरीर जो कर देते हैं हम 14% है। मैं उनसे कहता हूं सर कब हम 25% है, हम कब थे 25%, क्या मुल्क में 14% और 17% का खाली निकली में थे, क्या ये मुल्क परसेंटेज पर चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा, क्या ये मुल्क परसेंटेज पर चलेगा या रूल ऑफ लॉ पर चलेगा, क्या ये मुल्क डायरे पर चलेगा या उस मुल्क की हजरत कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो। और आपसे कह रहे हैं जो लोग आला कर्म से कह रहे कि 14% है 14% है, अरे 14% का सवाल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंदुस्तान की तहरीर का सवाल है। अगर तुम मुझे जला गए तो फिर क्या मिला हमको बताओ, हमने जिला के पैदान को बताया है और नहीं बताया, तू नेशन थ्योरी फट कर देती और हमको पता है इस बात का कि हमारे बुजुर्गों ने सही फैसला करा। आजादी के बाद आपने हमारी मस्जिद के अंदर मुंह क्या रखा है, हम मस्जिद ईसाई की नमाज अगर आप इस बात को तो जो दिमाग में कह जाकर लेंगे कि 14
کہیں اور آ جائے, کہیں برکت آئے, کہیں مسجد چلی ہو جائے, سب کو ہوا رہا, یہ سب کو ہوا رہا. کون ہے رب؟ کیا سچر کرنے میں جھوٹی ہے؟ کیا رجوع کی سر کرنے میں جھوٹی ہے؟ کیا مہاراشٹرا کی محنت کو رواں کرنے کی جھوٹی ہے؟ کیا اسے نیشنل سینٹر سروے کا ڈیٹا جھوٹا ہے؟ ہم تو حکومت نہیں کی نام, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ہماری ایمان کی ہمارے نام پر جو اپنا سودا کرتے ہیں, جو کبھی پہلے تو بیٹھ کے ہمارے نام پر سودا کرتے ہیں, تو کبھی دلی کے گھر میں بیٹھ کے ہمارا سودا کرتے ہیں. تم بتاؤ ہم نے کیا سوچا, بتاؤ تم بتاؤ تمام واقعات ہوئے نہیں ہوئے, کوئی بھرنے کی بات نہیں ہے. ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے 14% نہیں بلکہ